न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख किनवट में सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी और जो लोग अपनी दुकानें खोली थी उनके पास जाकर व्यापारी एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने को कहा और किनवट की देखते ही देखते पूरी दुकानें बंद हो गई और किनवट 100% बंद हो गया। इसके बाद व्यापारियों ने वो लोगों ने बच्चों ने बूढ़ों ने शिवाजी चौक में पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए ऐसा हर एक नागरिक किनवट का कह रहा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमारे भारतीय फौजी पर कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकवादी ने किया। इस हमले में हमारे भारतीय जवान 44 शहीद हुए। इस हमले की निंदा वो रोष गुस्सा पूरे भारत के निवासी कर रहे हैं। इस हमले की निंदा छोटे बच्चे बड़े लोगों के साथ महिलाएं भी कर रही है। हमारे भारतीय फौजी 44 का बदला उस मक्कार और बुजदिल पाकिस्तान से लेना चाहिए ऐसा हर भारतीय कह रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान गम व सदमे में है। हर भारतीय नागरिक को इस हमले का गम है और इस का अफसोस हर भारतीय कर रहा है। सीआरपीएफच्या जवानावर झालेला पहाड हल्ला याच्या निषेधार्थ सर्व व्यापारी बंधू सर्व संघटना आज यामध्ये सामील झालेल्या आहेत। कारण हा देशातला खूप मोठा आघात आहे। आज ही तीव्र ताकद आज किनवटवासियांच्या वतीने जे जवान शहीद झालेत त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभण्यासाठी आपण सर्व एकत्र जमलेलो आहोत आणि या हा बदला कारण आपल्याला माहित आहे ह्या कारवाया थांबल्याशिवाय देशामध्ये शांतता राहणार नाही। त्यासाठी या देशातली शांतता जर राबवायची असेल तर आपल्याला ह्या पाकिस्तानचा बदला घेतल्याशिवाय गप्पी बसता येणार नाही आणि पाकिस्तानचा बदला घेतलाच पाहिजे। यासाठी या किनवटवासियांच्या वतीने हे मोठं आंदोलन आहे आणि या सर्वांच्या वतीनं या देशाच्या वतीनं मी सर्व या ठिकाणी आवाहन करतो की हा बदला घेतला पाहिजे आणि या ठिकाणी आता हा पाकिस्तान मुर्दाबाद आणि पाकिस्तानचा झेंडा जाळला जात आहे या ठिकाणी।